सो गाइस, अभी से कुछ देर पहले मैंने एक डाला था पोल, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज चाहिए, जीरो टू हीरो मतलब प्रो लेवल तक की, क्या आप लोगों को एक एफिलिएट सीरीज चाहिए। तो गाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इतने सारे लोगों ने कहा हाँ, उन्हें ये सीरीज चाहिए। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर देता। कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। लेकिन गाइस, आप लोगों को ये सीखने से पहले आज की जो वीडियो है, जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। अगर ये वीडियो आप मिस कर दोगे तो आने वाली जो वीडियोस है, जो सीरीज है पूरी, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और बिलीव मी, जब लोग इतने एक्साइटेड होते हैं सीखने के लिए तो सिखाने में भी मजा आता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था वो ऑप्शन दे के कि क्या आप लोगों को सीखना है। तो इतने 80-90% से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया यस, मतलब पोल में कहा कि हाँ उन्हें सीखना है। तो अब गाइस, बहुत बड़ा गेम बन चुका है अपने चैनल पे, और आप बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर करोगे अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि सीरीज चालू करूँ, सीरीज चालू करूँ, लेकिन बहुत सारे काम की वजह से सीरीज नहीं हो पा रहा था। इवन काम तो अभी भी है, क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्केल कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब लेकिन मैं पूरा टाइम निकालूंगा, एक अलग से टाइम निकालूंगा जहां मैं वीडियोस के लिए पूरा कंटेंट शूट करूंगा। और बिलीव मी, फर्स्ट टाइम मैंने आज स्क्रिप्ट लिखा है वीडियो के लिए, और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ और कर रहा हूँ। तो आज याद रखना, आज पूरी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आज मैं आपको 7 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अगर वो 7 पॉइंट आपको समझ में आए, तब ही आपको आगे वाले पॉइंट समझ में आएंगे और आप एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ पाओगे। तो एक चीज़ और, इसको बहुत शेयर करो, बहुत शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने लोग भी आज तक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, सही चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, बेसिक टू प्रो नहीं जा पा रहे हैं, जो चीज़ जैसे एक्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग जैसे होता है, वो चीज़ उनको आज तक आई थिंक नहीं पता चल पा रही है। वो आज तक ब्लॉग और वेबसाइट से ही एफिलिएट मार्केटिंग सीखे हैं और वहीं अटके हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को हम लोग प्रो लेवल तक ले जाए हमारा चैनल, जो मेरा और आपका चैनल। ये बस मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल आप लोगों से है, तो ये चैनल आप लोगों का है, मैं बोलूंगा। तो आप लोग ही लोगों की मदद कर सकते हैं, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहा है गाइज, न्यू फनल बेस्ड मार्केटिंग। यस गाइज, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, न्यू फनल बेस्ड मार्केटिंग। इसमें मैं आपको न्यू जो फनल है, जो मतलब जो फनल मार्केटिंग होती है, जो वेबसाइट के जरिए नहीं होती है, वेबसाइट और ब्लॉग को आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ठीक है, वो ब्लॉगिंग है, वो एक अलग इंडस्ट्री है। वहाँ लोग प्रोडक्ट डाल देते हैं, वो सोल्ड हो जाता है, तो बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग हो रहा है, बट दैट इज नॉट अ एक्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग। और ये मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ, जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, दैट इज नॉट एफिलिएट मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि हम किसी वेबसाइट और ब्लॉग से एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो तैयार है ना इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग फनल में जाएंगे और बहुत ज्यादा डिटेल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। तो गाइस, सेकंड पॉइंट जो है, वो सेकंड पॉइंट ये है कि नो शॉर्टकट्स। गाइस, कोई भी शॉर्टकट नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में। गाइस, आपको हर चीज एकदम नीचे लेवल से सीखनी पड़ेगी और ऊपर लेवल तक जानी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं शॉर्टकट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग, नहीं। हाँ, आप स्मार्ट वर्क से बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, चीजों को ऑटोमेशन पे ले जाके बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। मैं ऑटोमेशन का भी एक टॉपिक रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों को ऑटोमेट किया जाए, तो वो भी एक टॉपिक अपना रहेगा। ठीक है गाइज, तो सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट गाइज, कि ये कोई वन नाइट क्विक स्कीम नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, वन नाइट क्विक स्कीम नहीं है, बिल्कुल भी वन नाइट क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, आपको 3 महीने कम से कम, मिनिमम 90 डेज का चैलेंज आपको लेना पड़ेगा, अगर आप एक प्रो एफिलिएट मार्केटर या एक 4 to 5 6 फिगर एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो, तो आपको पूरा चैलेंज लेना पड़ेगा 90 डेज का। जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं दोगे 90 डेज का, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं सीखूंगा और कल मैं इसको इम्प्लीमेंट करके लाखों रुपए की अर्निंग करने लग जाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कम से कम 90 डेज आपको देना पड़ेगा। और गाइस बिलीव मी, 90 डेज के बाद जो होता है ना, एक CA होता है या तो कोई डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, आई डोंट बिलीव ऑन दिस प्रोफेशन बिकॉज आई डोंट लाइक इट, आई लाइक बिजनेस, बट बहुत अच्छे प्रोफेशन है, बहुत तगड़े और बहुत ऊंचे लेवल के प्रोफेशन हैं ये, जो लोग इनको प्यार करते हैं, इस चीज़ को, इस काम को प्यार करते हैं, वो लोग करते हैं। तो वो लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाते हैं। बिलीव मी, एफिलिएट मार्केटिंग से लोग $100K पर मंथ कमाते हैं, 6 से 7 फिगर इनकम, इन डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो आप इतना पैसा सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटिंग से अपने कंप्यूटर पे, अपने माइंड से कमा सकते हो, एंड इट्स वेरी वेरी इजी। बस आपको 90 डेज का चैलेंज लेना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा गाइज, वो ये है कि टेक मनी प्लस
एफर्ट गाइज, विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एफिलिएट मार्केटिंग। लिख के ले लो, ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पैसे लगाने पड़ते हैं तभी पैसा आता है। किसी भी सूरत हाल में आपको पैसे लगाने पड़े, सूरत हाल में आपको कैसे भी पैसे लगाने ही पड़ेंगे, चाहे वो आप एड्स के लिए लगाओ, चाहे वो टूल्स के लिए लगाओ, चाहे वो आप किसी फनल के लिए लगाओ, या चाहे आप किसी सोलो एड, मतलब कुछ भी करने के लिए आपको पैसे यहाँ लगाने पड़ेंगे। जब तक आप इस बिजनेस में पैसे डालोगे नहीं, तब तक पैसे रिटर्न आएंगे नहीं। आपका पांचवा जो पॉइंट है गाइज, वो ये है कि माइंडसेट एंड डेडलाइन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। गाइज, जब तक आप माइंडसेट आपका क्लियर पॉजिटिव नहीं रहेगा कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे इसमें। तो इसलिए आपका माइंडसेट बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को हासिल कर पाओगे। और अपना जो आपका टारगेट है, जितना भी आपने टारगेट रख लिया है, आप कुछ भी टारगेट ले सकते हो, और डिपेंड ऑन यू कि आपका माइंडसेट क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो स्ट्रेस को झेलना है, माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और प्लस एक चीज़ और इसमें आपको ऐड करूँगा मैं, दैट इज़ कॉल्ड डेडलाइन। गाइस, जब तक आपका डेडलाइन नहीं रहेगा आपके पास, मतलब एक महीने मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो अब मुझे पहुँचना ही पहुँचना है, गोल सेट करो और कूद जाओ पूरा करने के लिए, तब तक आप कुछ एफिलिएट मार्केटिंग में अचीव ही नहीं कर सकते। गाइस, अभी मैं बहुत सही लेवल पे हूँ, लेकिन अभी भी मैं पूरा डेडलाइन के साथ ही काम करता हूँ। बिकॉज यहाँ पर जब तक आप डेडलाइन के साथ काम नहीं करोगे, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर आप सही से चीज़ों को नहीं करते हो तो। और अगर सही करते हो, सही डायरेक्शन में करते हो, तो बिलीव मी यू कैन डू easy, just do well। गाइज, जो छठवां टॉपिक है गाइज, वो ये है कि गाइज आपको ये जो हम लोगों ने सीरीज चालू की है, इसको तीन लोगों को बताना है, इट्स मीन तीन जगह इसको शेयर करना है। जब तक ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, ये फीस नहीं मिलेगी, तब तक गाइज मैं नहीं करने वाला, आगे के पार्ट्स नहीं बनाने वाला। बिलीव मैं आपको हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर कुछ माइंडसेट से लेके हर कुछ बेसिक की बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, नीचे से नीचे उठा उठा के चीज़ों को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ बिलीव मी, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए नहीं एफर्ट लगाऊंगा। गाइज, वीडियो को बनाना, वीडियो को एडिट करना, फिर उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको सही से उसको मतलब डिलीवर करना, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। एक वीडियो को बनाने में 3-4 घंटे चल जाते हैं, और उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो बस आपको लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट देना है, और सिर्फ 3 ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें, तो हम लोग बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। सो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करना। और लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड टॉपिक्स। तो गाइस, हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, तो प्लीज़ उसको कमेंट में डाल देना कि मैं उसको ऐड कर लूँ। अगर वो टॉपिक ज़रूरी होगा, तो मैं उसको कमेंट में ऐड कर लूँ, तो मैं उसको टॉपिक्स में ऐड कर लूँगा, और उसके बाद हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक्स क्या क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने टॉपिक लिख रखा है, तो मैं वहाँ से बोलता हूँ। तो सबसे पहला जो गेस्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च। जो सेकेंड गेस्ट टॉपिक रहेगा, वो होगा अबाउट द कॉम्पिटिशन ऑन यूर सब्जेक्ट एंड नेटवर्क। जो थर्ड गेस्ट टॉपिक रहेगा, टूल्स एंड गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है गाइस, टूल्स और गुड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। जो चौथा टॉपिक रहेगा गाइस, वो रहेगा स्ट्रेटजी एंड टारगेट ऑडियंस। जो 5 टॉपिक रहेगा, वो होगा फनल सिस्टम। जो 6 टॉपिक रहेगा, वो रहेगा गाइस हाउ टू बिल्ड ईमेल लिस्ट, कैसे ईमेल लिस्ट को बिल्ड करें। जो 7 टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ट्रैफिक एंड एड्स। जो 8 टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ऑटोमेशन, कैसे बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाएं। तो गाइस, ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो आप लोगों को पूरी चीज़, मतलब आप लोगों को पूरी चीज़ डिटेल में डिलीवर की जाएगी। वीडियोज लॉन्ग रहेंगे, लेकिन बिलीव मी, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये आप लोगों का ही कहना है कि सीरीज स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि वो पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी यूट्यूबर्स नहीं है जो बेसिक लेवल पे सही चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि जब तक वो सही चीज़ बताते ही नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग करो, वो बोलते हैं ये सब तो कुछ भी नहीं होता है। बिलीव मी, मैं ये सब कर चुका हूँ, बहुत धोया मैंने अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन ब्लॉगिंग में जब मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग भी एक ऐसा वैसा खेल नहीं कि रात में करे सुबह ब्लॉगर बन गए। ब्लॉगिंग के लिए भी आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बोलूँगा, आपको एक सीधा साधा एफिलिएट सिखाऊंगा। और कोई भी ऐसा मार्केटर या यूट्यूबर नहीं है जो इंडिया में आपको हिंदी में ये सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा है। इट्स चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर
कमेंट जरूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।